तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये आप लोग बताएं भैया। सिस्टम की बात तो थी, हमने सिर्फ रेस्पिरेशन पूछा, सिस्टम नहीं। जो ये तो तुम्हें पता, तुम बता दो सिस्टम क्या होता है। जो अंगों का समूह श्वसन में सहायता कर रहा होगा वो श्वसन तंत्र हो गया। तंत्र तुमने बनाना था, तंत्र हम बता चुके, और तंत्र की एक डेफिनेशन तुम्हें समझ ली, अब तुम सारे तंत्र बता दोगे। अब इसके बाद तुम्हें ये बताना है कि है क्या ये रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कभी भी इनहेल और एक्सहेल, जो सांस लेना होता है ना वो मत बताना, वो ब्रीदिंग होती है, वो सांस लेना होता है। हमेशा रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया आपके पास क्या है, रेस्पिरेशन इज O2 यानी ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ना ही श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6+O2 gives us CO2+H2O+ATP। यहाँ पे ATP कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं याद है, याद कर लो भैया, आपसे 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो क्या ग्लूकोज के टूटने को ही क्या कहा गया है, रेस्पिरेशन कहा गया है। अब देखो ये रेस्पिरेशन जो है आपका दो टाइप का होता है, इसको नोट करना है कुछ। अब देखो अभी रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन आपका दो टाइप का होता है। एक क्या है, ऑक्सी रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक। एरोबिक या इसको बोल देते हैं ऑक्सी रेस्पिरेशन, मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। दूसरा क्या होता है, एनएरोबिक या अनऑक्सी, अनऑक्सी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आगे लिख लेना ठीक है। इसमें क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ओ, यहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है। अब आपने यहां पे क्या देखा, C6H12O6+O2 gives CO2+H2O+ATP के 38 molecules। लेकिन जब इसमें रेस्पिरेशन हो रहा होता है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तो ये जो रेस्पिरेशन है ये पूरी तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्या है, ग्लूकोज का पूरी तरीके से नहीं टूट पाता है। अब ऐसी स्थिति में इसमें बनता क्या क्या है, जैसे ही क्या होगा, C6H12O6, लेकिन इसमें अब इस बार रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब O2 नहीं होगी, तो इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें बनेगा
लैक्टिक एसिड, पाइरूविक एसिड, याद है लैक्टिक एसिड पाइरूविक एसिड, और क्या बनता है? एथेनॉल भी बन जाता है। आप ड्रिंक करने वाली चीज पीते हो वो, प्लस इसमें क्या बनते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना इसमें से जो एटीपी बनती है एनर्जी बनेगी वो सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स ही बनती है। कितने मॉलिक्यूल्स बनती है? दो मॉलिक्यूल्स। तो लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड कब बनता है? आपकी बॉडी में क्या है, कभी कभी आपके मसल्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब मसल्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मसल्स में सेल्स है, अब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली लेकिन उन्होंने क्या किया, तब भी रेस्पिरेशन किया। जब आप एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर लो क्या होता है, थकान महसूस होती है और हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उस समय क्या ऑक्सीजन का थोड़ा सा फ्लो कभी कभी गड़बड़ होता है, तो उसमें क्या हो जाता है आपके मसल्स तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंची या कमी हो गई, क्योंकि आप काम ज्यादा ले रहे थे, ऑक्सीजन आने का रेट वही पुराना वाला था। अब क्या होगा, जब रेस्पिरेशन होता है तो आपको फिर थकान महसूस होती है, तब ये लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। कहा जाता है ना कि जब आपको थकान होती तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये भी पूछा थकान होने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड। आपके जब मसल्स में लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा तो आपको थकान महसूस होती है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑफ मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां सीधे सीधे कह दें एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज मसल्स कॉजेस प्रोड्यूस इन कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, और क्या बना, पाइरूविक एसिड बना, और एथेनॉल भी कभी कभी बन जाता है। एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कोई दिक्कत यहां तक ठीक है। अब देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहां होता है भाई, रेस्पिरेशन होने के लिए मैंने आपको सेल के कुछ पार्ट बताए थे, कहां कहां होता है, मान लो सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, साइटोप्लाज्म बताया था, इन दोनों ही हिस्सों में कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, एरोबिक हो सकता है यानी ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहां पे सिर्फ साइटोप्लाज्म ही होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, एनएरोबिक। अगर तुमसे पूछा जाए एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है तो साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत, अब देखो क्या को साफ करना पड़ेगा, नोट करो अब आपसे कहा जाए कि एग्जांपल क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये बताओ किसमें किसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, कुछ तो होगा, कोई तो याद होगा जो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन कर रहा है, हम सबसे पहले हम यानी ह्यूमन और मैमल्स, एनिमल्स लिख दो, एनिमल्स लिख दो, बर्ड्स आ जाएंगे ना इसी में। अच्छा प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, एरोबिक होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड की उसको छोड़ दिया, ये रिलीज स्ट्रोक स्टार्ट अप, याद आया कुछ, हाँ रोग छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, इनको स्टोमेटा कहा जाता है, इन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं प्लांट, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें किसमें हो रहा है, ह्यूमन में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, प्लांट्स में। अच्छा ये बताओ जो ह्यूमंस हैं वो किसके थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन,
लंग्स लंग्स यानी फेफड़े एनिमल्स कुछ लंग्स के ये भी लंग्स के थ्रू करते हैं बर्ड्स ये भी लंग्स के थ्रू करते हैं टैडपोल किसके थ्रू करेगा स्किन के टैडपोल होता क्या है मेंढक का बचपन है बचपन है अच्छा स्किन के थ्रू करते हैं टैडपोल करता है गिल्स के थ्रू ठीक है जब यही टैडपोल बड़ा होकर क्या बन जाएगा फ्रॉग बन जाएगा तो इसमें क्या होता है इसमें होते हैं चेन इसमें बन जाते हैं लंग्स तो जब ये पानी के बाहर होगा तब लंग्स से करता है रेस्पिरेशन जब पानी के अंदर होता है तो स्किन से करता है रेस्पिरेशन एक और किसान का मित्र क्या है केचुआ 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 कैसे करेगा रेस्पिरेशन स्किन से कॉकरोच स्किन से ये करता है विंड पाइप से इससे भाई साहब में विंड पाइप होती है वो विंड पाइप लेके चलता है कोई दिक्कत आ रहा है नहीं तो अच्छा फ्रॉग वाला और टेडपोल वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है याद रखना बाकी तो ठीक है कि एडजस्ट कर लोगे अच्छा फिश गिल्स गिल्स याद रखना तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इतना ही है इसके बाद अगर हम बात करें एनारोबिक यानी अनऑक्सी इसमें काम क्या होता है तो आपका जो फ्रूट होता है फ्रूट फ्रूट के बाहर एक कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है पेरिकार्प ठीक है आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट उसको क्या बोलते हैं पेरिकार्प इसको एनारोबिक तो मैंने क्या बताया था आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरिकार्प इसमें भी क्या होता है एनारोबिक दूसरा देखो आपके जो सीड्स होते हैं सीड्स को क्या है अगर आप ऑक्सीडेशन उनका सही से हो रहा है खुले में उनको ऑक्सीजन मिल रही है तो उनमें क्या होने लगता है अंकुरित जर्मिनेशन होता है अंकुरित होने लगते हैं तो ऐसी चीजों को क्या रखा जाता है किसी बंद जाल में रख दो या मिट्टी में गाड़ दो बिल्कुल दबा के रखो जहां उनको ऑक्सीजन ना मिले जब उनको बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं तब सीड कैसे रहेंगे डॉर्मेंट डॉर्मेंसी ऑफ सीड ये कैसे रहती है एनऑक्सी रेस्पिरेशन से या एनारोबिक रेस्पिरेशन से डॉर्मेंसी ऑफ सीड हम मेंटेन करते एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है भाई आपने क्या दालें ले ली दाले लेके क्या करते हो उनको डिब्बे में पैक करके रखा है अगर उनके पानी पड़ जाए और खुले में उनका रेस्पिरेशन हो गया तो क्या होगा तुरंत उनके अंकुर निकल आए फिर बनाओ उनकी दाल कितने दिन भाई दो चार दिन में खत्म हो जाएगी खराब हो जाएगी सड़ने लगेंगी लेकिन वही सूखी रखी है तो साल साल बच चल रही है और देखो आपका बैक्टीरिया है याद है फंगाई है जिसमें और क्या जो फर्मेंटेशन होता है ये पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कौन सा रेस्पिरेशन होता है एरोबिक या एनएरोबिक एनएरोबिक ही होता है और लास्ट और याद रखना जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है तो क्या बैक्टीरिया फंगी फर्मेंटेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन पता ना कहां यूज होता है हाँ जलेबी में जलेबी में और जो आपकी मदिरा बनती है भैया किण्वन होता है किण्वन फर्मेंटेशन ही तो होता है भैया मदिरा में भी तो होता है फर्मेंटेशन वही तो बता रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं डोसा पूछता था डोसा में होता है क्या डोसा में नहीं फिलअप फ्लफीनेस लाने के लिए बन वगैरह भी यूज करते हैं भटूरे में भी वो लोग डालते हैं कुछ ना कुछ उसमें मिला उसमें सोडा डालते हैं सोडा
ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको नोट कर लो ठीक है। अब हेडिंग कर लो सीधे सीधे ह्यूमन रेस्पिरेशन, यहां से तुम्हारा शुरू होगा श्वसन, श्वसन की बात करें तो भैया ये कहां से प्रारंभ होता है? नोज, माउथ, ये भैया आपका नजल कैविटी है, नोज बोल दो, नॉस्ट्रिल बोल दो, नसिका बोल दो, ठीक है सिका, या जो कैविटी अंदर गैप होती है उसको क्या बोलते हैं, नजल कैविटी, ये आपका माउथ। माउथ के बारे में हमें कुछ ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना मुंह बताया तुमको, सब कुछ बता दिया है। तो नाक की बात करें तो नाक क्या है, ऊपर वाले हिस्से में कार्टिलेज लगा हुआ है, और इससे नाक का काम क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम बताओ नाक का, एयर को फिल्टर करना, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बताओ, सूंघना, स्मेल, सूंघना स्मेल, खाने में अगर अच्छी खुशबू आ जाए तो दो रोटी ज्यादा चली जाएंगी, वो खाने की खुशबू खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, ये जो नाक होती है, जब आपने क्या किया, सांस लिया, सांस लेते हो तो आपके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल हवा में तैर रहे हैं, तो आप सांस लेते हो तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ही सिर्फ लिया, आपने तो फोर्स लगाया ना भैया, फोर्स लगा रहे हो आप, छान नहीं रहो, आपने फोर्स लगाया अंदर की तरफ और क्या किया, एटमॉस्फेयर से चीजें अपने आपके नाक के अंदर गई, जैसे ही नाक के अंदर जाएंगी तो क्या होगा, नाक में होते हैं नोज हेयर्स, इनको बोलते हैं सीलिया, ये क्या काम करते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल ये रोक सकते हैं उतने ही लगभग सब रोक लेते हैं, जो इनके बस के नहीं है वो आगे चले जाएंगे। तो पहला काम मैंने क्या बताया था, स्मेल, दूसरा नोज एयर यानी सीलिया, ये क्या करते हैं, एक्ट एज एयर फिल्टर। तो अभी भी पता है सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स हटे हैं, गैसेस अभी भी आपके अंदर गई है, हो सकता है नाइट्रोजन भी गई हो, आर्गन भी गई हो, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ गया हो, जो भी एटमोस्फियर में गया होगा गया, जाने दो, और क्या होगा, और क्या होगा इसमें, अब आपने की गैस ली है, गैस क्या थी, बाहर से सूखी थी, अब क्या हो, इसका पाथ जो है डाइवर्ट ना हो, डाइवर्ट ना हो तो इसको क्या कर देता है, उस एयर को ये वेट कर देते हैं, और कैसे, आपके नाक में पानी निकलता है भाई, सभी को निकलता है नॉर्मली, तो क्या है, उस नोज वाटर को क्या बोलते हैं, म्यूकस। माउथ में भी था, देखो म्यूकस क्या है, सब्जेक्टिव टर्म का तुम लोग शायद बता रहा सब्जेक्टिव मतलब इसकी परिभाषा लोगों ने कैसी दे दी है, ये जहां भी थोड़ा सा गीला आ जाए, थोड़ा लिपलिपापन आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो उसको म्यूकस कह दिया इन्होंने, कोई दिक्कत है आपको, तो क्या हमारे जो नोज में वाटर था उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस, और यही म्यूकस क्या करता है, ये जो हमारे अंदर एयर गई है उसको गीला कर देता है, जिससे क्या हो, इसका पाथ सीधे हमारी नाक में जाए भाई, नाक से क्या हो सीधे फेफड़ों तक जाए, और इधर उधर ना चला जाए, ऐसा ना हो गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब अच्छा स्मेल वाली बात कर रहे थे, स्मेल के लिए आपका जो नोज है, सपोज दैट आपकी नोज बनी हुई है, ठीक है, तो नोज बनी है तो इसमें जो ये वाला रीजन है, इस रीजन से ही आपको स्मेल आती है, हाँ, ये जो नोज का बीच वाला हिस्सा है, और इस रीजन को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। अच्छा, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पर यहां से आया, हाँ
ऑल्फैक्टरी रीजन इसको बोलते हैं। और इससे क्या होगा, ये आपको जो खुशबू बदबू जो कुछ महक आ रही है अलग अलग, वो सब यहां से महसूस होती है। जैसे आपने खुशबू ली, यहां से सिग्नल कहां जाएंगे, ब्रेन को। बढ़िया, आपने किसी रोज की खुशबू ली तो अच्छी बात है, कई बार नाले में जब गुजर गए तो क्या होगा, और खुशबू ना के बाल जल जाएंगे, फिल्ट्रेशन नहीं काम करेगा ठीक से। ठीक है, और फैक्ट्री एरिया कहां से बोलते हैं, जहां से ये स्मेल आती है, स्मेल वाले एरिया क्या बोलते हैं, और फैक्ट्री रीजन। कोई दिक्कत क्या था, इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। ये नोट के काम थे, एक मिनट में हो जाना चाहिए। अरे एक